नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं एनडी हरियाणा। हमारे साथ भाई आज वहीं पे हम पंजाब में खासकर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा भाई गेम होया करें, और आज इनसे बातचीत करेंगे और इनका इंट्रोडक्शन भी ले होंगे बढ़िया तरीके से। और ये देख सकते हैं, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो ये कल ही टायर जो है इसमें अपडेट किए हैं, और इनसे बातचीत करेंगे इन टायरों से, मतलब क्या सौंक के लीक रहे हैं या फिर कहीं ना क्या क्या। और मैं ट्रैक्टरों के बारे में बताऊँ, जो ट्रैक्टर है ये खुद तैयार कर रखे हैं या कहाँ तैयार करवाए हैं। अगर ऐसे ट्रैक्टर और किसी ने तैयार करवाने हो तो कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो सारी बात पूछेंगे। और फिलहाल ये जॉन डियर 5310 है ना जी। पहले तो नमस्कार। नमस्कार जी भाई, सबको राम राम भाई। राम राम भाई सारे भाई जाना। हाँ जी, अपना इंट्रोडक्शन दे दो जी। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, इधनौता गाँव मेरा, जैन डिस्ट्रिक्ट है। वैसे गिली नैन के नाम से हमारे ट्रैक्टर चलते हैं पंजाब में। बिल्कुल, तो आप ये ट्रैक्टरों का कब से शौक लगा? आप मैं पहली बार मिल रहा हूँ आपसे, तो और गिल्ली से तो मिल लिए हूँ, तो आपसे मिल रहा हूँ मैं, तो ट्रैक्टरों का कब से शौक लगा था? वैसे शौक तो मेरे को बचपन से ही था ट्रैक्टरों का, तो शौक मैंने बचपन से ही था जी। मेले कंपटीशन में हमने 2017 में थोड़ा वो लग गया था, मेले 16-17 में हमने टोचन का स्टार्ट किया, फिर उसके बाद तविया का स्टार्ट किया, फिर उसके बाद हमने टोचन का तो छोड़ दिया हम, फिर अब तविया का वो करते हैं। अच्छा, टोचन छोड़ने का मेन कारण क्या था? उसमें तो यही है भाई, कितना भी तैयार कर लो ट्रैक्टर ना, वो तो एक सट्टा है भाई, कहीं ना कहीं ट्रैक्टर चल भी पड़ा नहीं भी चला है। तविया में क्या, तविया में तो अपने ये पता है जिसमें ट्रैक्टर में कुछ खासियत होगी वो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। चलो अभी खासियत भी आया, आप ये ट्रैक्टर खुद तैयार करते हो? जैसे कि रेडिएटर वगैरह है और गैस घूस की, मतलब जो अभी पाइपें हैं ये जो फिटिंग कर रखी है अपने, रेडिएटर ये दो लगा रखे ना इसमें। अच्छा, ये खुद तैयार करते हैं कहीं किसी मिस्त्री पर? नहीं, हम खुद भी करते हैं। वैसे अपना मिस्त्री है यार दोस्त, वो अपने साथ थोड़ा बहुत वो नहीं होता, वो साथ में आकर करवा देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये ट्रैक्टर कौन कौन से मॉडल है जी? ये तो 22 मॉडल है, ये सारा 20 घंटे चला, ये स्पेशल कंपटीशन के लिए लिया था। अच्छे जी। हाँ, ये अपना 17 मॉडल है, ये ट्रैक्टर 17 मॉडल है, ये 22 मॉडल, ये 22 मॉडल है। अच्छे जी। हाँ जी। अच्छा, आपने 22 मॉडल लिया और ये 17 मॉडल है, दोनों चला के देखे होंगे आपने, कौन सी की क्या परफॉर्मेंस है फिलहाल इनमें? फिलहाल तो अब तक तो यही बढ़ रहा है, एक कंपटीशन में अब ये कुछ आगे बढ़ने लग गया थोड़ा बहुत। हाँ हाँ भाई, देखो एक बार ट्रैक्टरों की लुक दिखाऊंगा मैं, ये टायर जो कल अपडेट करे ना, तो मतलब अलग ही लुक बन गई जी, पिछले टायर छोटे लग लगे। तो ये टायर कहाँ से परचेज करे आपने? अगले वाले समराला से मंगवाए हैं, पाल टायर वाला से, पाली टायर वाला से। जी जी जी। हाँ। तो अभी जैसे कंपटीशन में जा हुआ है, तो मतलब मोटिवेशन मिल रहा है कि जीत का? हाँ हाँ। और सुनने को आवे कि भाई जो है ट्रैक्टर जी बढ़िया परफॉर्मेंस कर लाए जाना, तो उसकी एंट्री लेन दिया कहीं ना कहीं हाथ काम लग जाए, ऐसा कुछ हो रहा है? हाँ, ये तो है जी, हर मेले में सभी को ये लगता है भाई, ये ट्रैक्टर जहाँ गएगे जाओगे वहाँ ये फर्स्ट सेकंड यही रहोगे, यही रहोगे। हाँ, फिर मतलब भाई गेम करवाने की टड़ा कर दो, इनाम दे के ना भेज दो, नो नो लग जाएगा ये तो, शंका तो सभी को पहले हो जाता भाई, ये अपना वो करा है, ये ट्रैक्टर जीतते गए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा, ट्रैक्टर ऐसा क्या करोगे आपके ट्रैक्टर जीत दो, मतलब ये तो कहना भाई ये गुप्त चीज हो गया, बाकी पूछने भी चाहिए ऐसा, मतलब ट्रैक्टर में क्या खास करो आप? भाई साहब, गुप्त ऐसी हमने आज लग ना को हमने गुप्त किसी से रखा है ना, अपने ट्रैक्टर में कोई गुप्त है है, ये तो आपकी किस्मत है, वह किस्मत किसी का साथ दे देती किसी का नहीं है, पहले हमारी भी किस्मत साथ नहीं दिया है, ऐसे ही जाते हर मेला में जाते हार का जाते है, अब चलो भाई थोड़ी बहुत हमने सुधार कराया है तो किस्मत ने भी साथ दिया। वो बिल्कुल, जैसे आपने इतने लाखों रुपये में लगा रखे हैं और कंपटीशनों में कितने कई नाम आज तक आपने हाईएस्ट इनाम कितना का जीता? इनाम तो बस यही 31,000-41,000 यही है इनाम, तो कहीं 21,000 है मेले इनाम, तो हर मेला में 3-4 इनाम तो हम उठाए लेते हैं। ज्यादा कर पंजाब में ट्रैक्टर? हाँ, पंजाब में चलाते, हरियाणा में नहीं चलाते। हरियाणा में ऐसे क्या कारण है जो ट्रैक्टर? हरियाणा में चलाने का कारण क्या, हमारे हरियाणा में क्या है रूल बना दिए भाई, इनाम रख दिया 11,000 है, उसमें री एंट्री बार बार री एंट्री मेले इसका किसी ने टाइम तोड़ दिया, तो उसके बाद फिर दोबारा अगला बंदा वही दोबारा एंट्री भर के ना इसका टाइम तोड़ेगा, मेले ट्रैक्टर पाड़ने का काम है अपने हरियाणा में। अच्छा, हरियाणा की जो कमेटी है वो कहीं ना कहीं मतलब इस चीज से सेटिस्फाई नहीं होती कि भाई एक बार एंट्री ले ली दूसरी बार फिर ले ली, उन्होंने क्या भाई अपना एक वो छेड़ दिया, धंधा छेड़ दिया हरियाणा में भाई, बार बार एंट्री होगी इकट्ठी, 5 बंदे हो इकट्ठे, वो अपने इनाम रख दिया, मतलब एक कंपटीशन को मजे 2 दिन चला दे 3 दिन चला दे, क्यों बंदा यही सोचता भाई तेरा नाम होने का है भाई, ये सोचे आगे एंट्री दोबारा भरे जावा है, उसी लिए कमेटी
पार्टी अपना वो करें जावे है, बार बार री एंट्री का सिस्टम करती रहती है। बिल्कुल, अभी जो हम देखा कई बार ट्रैक्टर वाले छुट्टी दे, आप भी छुट्टी दे किसी? नहीं, हम किसी की छुट्टी नहीं देते भाई। आऊं कोई आओ, आऊं कोई है अपना आकर ना चेक करना, किसी ने कर लो नीचे छुट्टी का। इसमें कई कह देते भाई मैं ये सभी की छुट्टी दे दी, वो कर दी। नहीं, ये एक मशीनगरी है, पता नहीं किसकी कब कहाँ चल जाए ना चल जाए, इसका किसी को नहीं पता होता। और ना किसी की कभी छुट्टी देनी चाहिए, अब तो ये कहते हैं। बिल्कुल, आपका इतना नाम चल रहा है और आपका छोटा बेटा है जो, और इतना नाम चल रहा है गिनने गिल, और ट्रैक्टर भी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा हुआ है। और भाई पब्लिक भी वहाँ जा हुआ है तो जबरदस्ती जो है इनकी एंट्री करवा दे। कई बार ये होना ट्रैक्टर टाइम पे तैयार नहीं हो पाता तो एंट्री लेने से मना कर दे। सभी भाई यहाँ का, आप तो ये कहते हैं पब्लिक का भी और सभी का साथ है भाई, कोई दिक्कत आ जाती तो सभी साथ लग कर तैयार करवा देते, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कंपटीशन में मजा आवा, कई बार रोले रबदे भी हो, उनसे तो बच रहे होगे? नहीं, यहाँ पे रोला रबदा करते ही नहीं। आप जहाँ रोला रबदा हो आप वहाँ अपना ट्रैक्टर बाहर निकाल देते, आप वो करते ही नहीं, कहीं भी करते नहीं वहाँ कंपटीशन। अच्छा, ट्रैक्टर ले जाके मैं जी, पहले ट्रैक्टर ले जाते थे हम ट्रॉली में चढ़ा के, हैं अब ट्रक में ले जाते हैं। ट्रक में ले जाते। अच्छा, ट्रॉली थी अपने पास? हाँ, ट्रॉली है अपने पास। हाँ, वो गन्ने वाली होगी मतलब? हाँ, बड़ी ट्रॉली है, बड़े डंपर उनमें ले जाते हैं। गाड़ी में ले, क्यों उसमें तंग हो लेते, सफर लंबा होता, 250-300 किलोमीटर जाना होता है। अब कहाँ कम्पिटिशन? अब 11 तारीख का है। 11 तारीख? हाँ। तो भाई ये देखो, ट्रैक्टर के बारे में थोड़ा सा बताइए जी, मतलब क्या क्या आपने चेंज करे इसमें? हमने भाई ये इंटरकूलर लगा दिया, आगे पंखा लगा दिया, ये और सिस्टम लगा दिया थोड़ा बहुत, और तो क्या है भाई। अच्छा, ये जो इसका कुछ फायदा पड़ा इसमें चलाओ? इसका फायदा तो पहले लगा है भाई, हवा ठंडी इसमें मैं आगे से हवा लगा, ये हवा गर्म नहीं होती, उसका तो फर्क है। ये चालू है फिलहाल? ये चालू है, ये जिस तरह ये तार लगा देते हैं, ये इसका स्विच, ये चल गया, चल गया भाई। बिल्कुल। अच्छा, उस पे वेट लगा रखा अपना, इस पे लगाया नहीं? इस पे वेट ये गाड़ी में चढ़ावा, उस टाइम गाड़ी में फिट नहीं होते अपना। हाँ, कंपटीशन में जावा उस टाइम लगा दिया। हाँ, नीचे गाड़ी में, फिर गाड़ी 22 फुट है उसमें फिर फंस क्या हुआ है ये। हाँ, वेट लगा। अच्छा, ये ओपन वेट हो जाएगा या फिर मतलब सेम वेट में कहीं ना कहीं? नहीं, यहाँ तो जिस तरह पंजाब में ये ओपन वेट है, मैले कितना ही वेट रखो आपकी मर्जी है, वो तो जिस हिसाब से अपना ट्रैक्टर चला है, कम वेट में चला है या ज्यादा में चला है, उस हिसाब से अपना वेट लगाते रहते हैं, उस हिसाब से वेट लगाते हैं। तो ये नहीं होता कि भाई हाँ तोला ताली उसमें? नहीं, ये पंजाब उसमें राजस्थान में था, हनुमानगढ़ गए थे हम, उधर था मक्का सर गए थे, उधर 35 क्विंटल लगा करके चलवा था उन्होंने। 35 करके? हाँ, उसमें ये नहीं रहता भाई, कई बार क्या होता है सोनालिका है या और ट्रैक्टर वो इनसे भारी है, उनमें सभी में बराबर वेट हो जाता, फिर किसी को ये नहीं रहता भाई मेरा भारी है या उसका हल्का है, उस कमेटी का पे सही वो करया था उन्होंने। अच्छा, नु कह रहे कि भी 2001 से आपने जॉन डियर लेना चालू कर दिए थे? हाँ, और ट्रैक्टर भी बर्थ के देखे बीच में? नहीं, और देखे बर्थ के ब्रह्म ना भाई, जो मजा इनमें आता वो किसी में नहीं आता। अच्छा, क्या जो और भी किसान भाई वीडियो देखे हैं, तकरीबन किसान भाई ज्यादा वीडियो देखेंगे, ऐसा क्या खास लगे इन ट्रैक्टर में जो और से अलग है? खास तो है भाई साहब, एक तो मेन चीज कोई टूट फूट नहीं है इस ट्रैक्टर को, आप कितना भी माले ओवर चला लो माले, आप ये कमा टूट फूट नहीं है। हाँ, मेंटेनेंस खर्चा नहीं है, मेंटेनेंस खर्चा। हाँ, लीकेज वगैरह की तो नहीं? नहीं, कहीं से भी कोई लीकेज वो नहीं है। अरे मतलब नॉर्मल एवरेज क्या है इनकी? नॉर्मल एवरेज आप ये इनकी बराबर एचपी का ट्रैक्टर के साथ लगाएंगे, उनके सभी के साथ बराबर है, काम उनसे फालतू करेंगे। कई क्या होते हैं भाई, एवरेज साथ में निकाल ले 35 HP का ट्रैक्टर जोड़ेंगे, यहाँ लगाओगे 55 HP का, फिर एवरेज नहीं आएगी। अच्छा, ये कंपटीशन के जो ट्रैक्टर तैयार हो रहे हैं, कितना स्पीड में भाग लेंगे अभी रोड पे? रोड की स्पीड तो इनकी यही मैले, इतना फर्क तो नहीं पड़ता रोड पे, मैले रेस खोल तो रख के खोल दिया, फिर इतनी वो नहीं, स्पीड के हिसाब से नहीं है, सिर्फ लोड के हिसाब से तैयार करे। लोड के हिसाब? हाँ, से बिल्कुल, स्पीड के हिसाब से तैयार नहीं। बिल्कुल भाई, ये लोड के हिसाब से तैयार करे। अच्छा, ये वेट लगा रखे आपने पीछे? हाँ, ये और भी लगते होंगे वेट तो इसमें? हाँ, ये और जिस तरह हर कंपटीशन में जाए मैले ज्यादा लोड होगा उधर ज्यादा बढ़ जाएगा, नीचे अपना इनमें भी चल जाएगा, इनमें भी चल जाएगा। तो भाई ये देखो आप, ये ट्रैक्टर फिलहाल आप इस तरफ दिखाए भाई, और ये जो आपने टायर लगाया देखो कितना ऊंचाई हो गया आगे ट्रैक्टर की, देखो ये 6 फुट का ही लगभग जो है, लगभग 6 फुट तो नहीं है लेकिन लगभग 6 फुट की हाइट होगी इसकी, और इस तरह भी ये खड़े हुआ हमें, ये बिल्कुल छोटा लग है। देखो टायरों का इतना फर्क पड़ जाए इसमें, और फिलहाल एक बार देखो दिखाऊंगा मैं आपको तो ट्रैक्टर का ये। अच्छा, ये सिलेंडर है इसमें पानी की? हाँ, ये पानी का टैंक है भाई। अच्छा, ये यार जो ये साइड में एयर क्लीनर यहाँ बाहर लगा दिया? बाहर रखा है ये, बाहर लगा दिया, ये बाहर लगाने का। अच्छा, यहाँ था पहले?
आगे फिर ओरिजिनल सोनी है नहीं, इसके साथ इसके लिए अपना ये लगा दिया, अगर भी काम करना यूज करना पड़ जाए उसलिए अपना ये कर दिया। बिल्कुल। और ये किस चीज के लिए? ये अब जो बड़े ट्रैक्टर में चार सिलेंडर में चलाते उस टाइम ये लगाना पड़ता है, सिलेंडर है ये। सिलेंडर है ये, मतलब चलो गैस का है। और ये देखो वो म्यूजिक सिस्टम। अच्छा, ये पीछे पानी की टंकी है? ये पानी टंकी पीछे है। मैं पहले नहीं सोचा करूं तो कहीं वो म्यूजिक सिस्टम लगवा रखे। ये देखो ये पता नहीं चलता, ये अपना ये उसी हिसाब से लग रही है भाई, ये नहीं लगता भाई पानी टंकी है। अच्छा, आप ड्राइविंग करते हो इन ट्रैक्टरों की? मैं देखूँ कई बार वीडियो इंस्टाग्राम पे भी आप वीडियो डालो। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है आप में? देखो इतना करने का जज्बा। नहीं वैसे वही बात है, अपना खुद का भी जज्बा होता, फिर अपना जो साधन है ट्रैक्टर है ये मैले अपना फुल साथ देते, ये नहीं भाई वो आम लोगों की तरह ट्रैक्टर है अपने, तो वही बात है भाई दिल से चावा इन्ना परिवार वाले परिवार की तरह अपना पूरा साथ देते, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं हमने भाई नहीं चलता। अच्छा, क्या करने की सोच रहे हो अपना पंजाब में विधायक मचा रहे क्या तगड़ा वाला? भाई सोचने की तो यही है भाई और तो आगे बढ़ा। मैं ये सोच रहा हूँ मेरे ट्रैक्टर अभी लग तो 60 HP में चलने लग रहे, मैं ये सोचूंगा मेरे ट्रैक्टर जुगाड़ हुआ में भी पहला नंबर पावे जुगाड़ में भी। हाँ फिर भाई कब चलाना चालू नहीं कर रहे ना? चला रहे हैं अभी तक, वह बात है तीन सिलेंडर का और चार सिलेंडर का थोड़ा बहुत तो और रहता फर्क रहता, फिर भी उनके बराबर चल रहे हैं, ये नहीं है अपने उनके बराबर नहीं चल रहे। अच्छा, कंपटीशन किसके साथ मान लो पंजाब में? पंजाब में कंपटीशन तो वह बात मेला में सभी आते हैं, सभी भाइयों के साथ कंपटीशन है, ये तो है नहीं भाई अपना अकेला का है, हैं सारे मेला में आओगे तभी कंपटीशन होगा, जिसको मेला में नहीं आओ किसके साथ कंपटीशन होगा? बिल्कुल भाई सही बात है, वही तो सबका जो भी मेले में पहुंचेगा कंपटीशन में उनके साथ ही कंपटीशन हुआ है। और भाई इस गाँव का तो नाम वैसे भी खास फेमस है, केडी यहाँ से यहाँ? हाँ केडी मेरा गाँव से ही है। अच्छा, आपके गाँव से? केडी है, बिंदर है, दोनों ये है अपने गांव से। हाँ बिंदर दनोदा दोनों मेरे गांव से है। अच्छा, ये गांव इतना बड़ा है, ये बिंदर दनोदा केडी ये नैन गांव क्यों लगा यहाँ पे? नैन हमारे 52 गांव इकट्ठे है। अच्छा 52। हाँ उनके सब के आगे सरनेम लगे, उनका आगे सरनेम नैन है, वो हमारा इसलिए नैन लगता है। अच्छा, ये जो दनोदा है इसके आगे भी नैन लगेगा? नहीं ये दनोदा नैन नहीं लगता, इसके तो सिर्फ दनोदा हो गया, जिस तरह अपना मेरा है जिस तरह वीरेंद्र सिंह नैन आ गया, मेरा सरनेम आ गया नैन आ गया है, इसलिए वो जिसका वो है वही लग। वैसे आपका गांव कौन सा है? दनोदा खुर्द है। दनोदा खुर्द। हाँ दनोदा खुर्द में भाई मैं इस चीज़ में कन्फ्यूज था, नैन गांव मगर नैन गांव, लेकिन भाई तो ये सरनेम है, मतलब पहली बार देख रहा हूँ ये चीज़ें। ऐसे क्यों है यहाँ से क्यों ऐसा? तो ये हमारा जिस तरह पूर्वज थे हमारे इकट्ठे है, 52 गांव हमारे इकट्ठे है, उसमें ये पूछने की जरूरत नहीं भाई इसमें और गोती है, कई गांव में क्या होता है किसी में 10 गोती है किसी में कितने है, हमारे गांव में स्पेशल सीधा ये है भाई नैनो का गांव है। अच्छा हाँ। अच्छा, ट्रैक्टरों से इनसे खेती भी करो आप? हाँ सारी चीज़ करते हैं भाई, खेती भी करते हैं भाई, ना इन्हीं से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं इनसे करें। हाँ रूटावेटर वगैरह सब हर चीज है, रूटावेटर ना तो मानते नहीं होंगे ना कोई दस्त नहीं क्या को। रूटावेटर चलाओ इस पे? चलाते हो मैं रूटावेटर तो 8 फुटा है, ये नहीं भाई बड़ा है नॉर्मल वो अपना 11 की तवियां है, रूटावेटर 8 फुटा है, 13 के कल्टीवेटर है, यही चलाते नॉर्मल सही चला कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, चलो भाई ये दिखाया आपको मैंने ट्रैक्टर, और जो भी जानकारी चाहिए आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जिसने भी ट्रैक्टर कर सकता कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़िए, वैसे तो नंबर हम देंगे नहीं क्योंकि बार बार परेशान करूँ जाए। तो फिलहाल आप ये देखेंगे ट्रैक्टर हमारे साथ, इनको चित्ता कहूँ या शेर कहूँ क्या कहूँ जी? ना वो तो भाई पब्लिक ने पता है ये क्या चीज़ है, मतलब खास जबरदस्त चीज़ बनाई आपने ना। हाँ जी हाँ जी, और सबसे बड़ी बात यह भाई अपने आप खुद तैयार करें ट्रैक्टर ने, एक बार फिर दिखा दूँ आप दमें, और ये ट्रैक्टर देख सकते हैं आप दोनों, ये 22 मॉडल है और ये जो है 17 मॉडल है, परफॉर्मेंस जबरदस्त पुराना ओल्ड इज गोल्ड है। हाँ जी, ओल्ड इज गोल्ड है, और ये टायर नए खलवाए हैं इसमें, ये कितने के टायर हैं देखिएगा? 16 के टायर है वो भाई देखे, और 3 सिलेंडर में ट्रैक्टर आवा है, और फिलहाल आप देखो। चलो भाई कैसी लगी वीडियो? और फिलहाल आप देख सको भाई हाईवे के पास ये घर है अपना, और इस तरफ ये नींबू नाम पेटी, तो आप ये सोचेंगे लोकेशन क्या है, ये लोकेशन देख सको। और